तो ये हम जब आ रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं था, आप देख सकते हो। तो अब हम निकलने का रास्ता देख रहे हैं, तो डेंजर है, बाकी निकलने की कोशिश करते हैं। तो वो सोच रहे हैं वहाँ से जाने के लिए। हेलो, सत श्री अकाल सबको, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और अब हम जा रहे हैं गोविंद धाम से। गोविंद धाम, बाहर मौसम बहुत खराब है, ऊपर हेमकुंड साहब की यात्रा मेरे ख्याल से बंद कर दी उन्होंने कि ऊपर नहीं जाने दे रहे, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है, बारिश रुक ही नहीं रही है और हम बस अभी निकल रहे हैं। बाकी देखते हैं नीचे क्या मौसम है, अभी जाते हैं, अभी तो हम रूम में है, रूम से बाहर जाके देखते हैं, हैंड ओवर करके हम निकल रहे हैं। चलो बाकी मिलते हैं आगे आपको। अरे बैग हम नीचे जाके पैक करने वाले हैं, नीचे अब खच्चर लेके जाएगा क्योंकि हमारे बस की नहीं है सारे बैग नीचे लेके जाएगा, बारिश बहुत हो रही है बाहर, बाकी आपको दिखाता हूँ बाहर बारिश। तो आप देख सकते हो ये रूम के बाहर से मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ बारिश, शायद कैमरे में नहीं पता लग रहा बट बहुत तेज बारिश हो रही है। आप वेदर बहुत खराब है, ये सारे बैग नीचे ले आया हूँ, बाकी मैं पैक करने लगे हैं, बाकी आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं पैकिंग। पैक करते देख लो आप, और एक ही बैग पैक करने हैं, सारे बैग वहीं पैक करूँगा। तो बैग पैक करने के बाद होती है इसमें सिलाई, ये देखो सिलाई कर रहे हैं पाजी हमारे। हाँ जी पाजी, ये सिलाई करने जा रहे हैं। तो ये फाइनल पैक हो चुका है, एक बैग पैक हो गया, बाकी और पड़े हैं, कितने हैं भाई, तीन और बैग हैं लगे हुए हैं बाकी सारे। सो हमारे पांच बैग रेडी हो चुके हैं नीचे जाने के लिए, एक दो तीन चार पांच, तो अब हम निकलने वाले हैं। तो निकलने से पहले गुरुद्वारे के दर्शन करते हैं फिर चलते हैं आगे। ये गुरुद्वारा है गोविंद धाम का, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा साहब है, आप दर्शन करो फिर इसके बाद थोड़ी देर हम बैठेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे आगे। तो हम धाम से जा रहे हैं गोविंद घाट, अब हम निकलने वाले सारे बोले निकलने से पहले हम ले रहे हैं अभी डंडे क्योंकि इसकी बहुत नीट पड़ती है, यही बड़ा पड़ी है सुबह। तो हम पहुंच चुके हैं अपने रेस्टोरेंट जहाँ पे हम हर बार की तरह खाते हुए निकलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, ये वो रेस्टोरेंट है, हम यही खाते हैं हर बारी हर साल, ये हैं भैया यहाँ पे। तो कुछ ऐसा है अंदर से ऐसा। तो भैया ठीक है फिर, बढ़िया बना रहे हो बढ़िया बढ़िया खाना, क्या खाएंगे बताइए, बस बता रहे हैं सारे ऑर्डर बनाते हैं, बैठो फिर आराम से सब मिलेगा। यहाँ पे हो चुकी है स्नोफॉल, देख सकते हो ऊपर बहुत तगड़ी बर्फ पड़ी है, कल तक यहाँ कुछ भी नहीं था बिल्कुल साफ, और आज देख लो सारे दे रहे ऑर्डर। हाँ भाई क्या खाया गुरु, चार चाय। हाँ भाई तेरा क्या है, दो ऑर्डर है इसका, और तुम्हारा सबका क्या ऑर्डर है, परांठे कौन कौन खाएगा हाथ खड़े करो, आलू प्याज का परांठा खाओ भाई, खाते हो दिखाओ। तो आ चुका है हमारा मोटा बिल, आप देख सकते हो
ऑर्डर हमारा मोटा ही होता है। ये देखो सबने खाया है। हाँ भाई सबने एंजॉय किया है फूड। चलो फिर आगे जोश। चलो तो हम वापसी जा रहे थे, हेलीपैड आया रास्ते में, बट यहाँ कोई हेलीकॉप्टर नहीं है क्योंकि इन्होंने इस टाइम मौसम के कारण ही सारा बंद कर चुके हैं। ये देखो आप सामने मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो देखो सामने बर्फ, ये देख रहे हो आप। तो अभी हेलीपैड खाली पड़ा हुआ है। सकते हो हम जब आए थे तो यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं था, पानी ऊपर से नहीं आ रहा था। तो आप देख सकते हो तो ये हर जगह आ रहा है, ये बर्फ़ पिघल रही है ऊपर से। ये मौसम हो चुका बहुत ज़्यादा ख़राब। चलो बाकी आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हो हम कहाँ तक पहुँचे हैं। अभी तो दूर है गोविंद घाट 13 किलोमीटर। तो हम वापसी जा रहे थे तो हमें देखो आगे क्या मिला, बहुत डेंजर है, बहुत ज़्यादा पानी। बाकी मैंने आते हुए वीडियो बनाई है, आप वो मेरी पिछली वीडियो में देख लेना, बाकी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये हम जब आ रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं था, आप देख सकते हो। तो अब हम निकलने का रास्ता देख रहे हैं, तो डेंजर है, बाकी निकलने की कोशिश करते हैं। वो सोच रहे हैं वहाँ से जाने के लिए, थोड़ा रिस्की है, बाकी देखते हैं कैसे निकलते हैं। तो ये निकल रहे हैं सारे, शूज़ वगैरह तो गिल्ले हो रहे हैं। कौन सा कुछ नहीं है हमारे लैब जा रहे हैं। ये हमारे बैग जाते हुए भाई, तो ये सब सरपाल एक नंबर जा रहा है हमारा। बाय टन्नी गिर गया पहाड़ों से तो उसको चोट बहुत आई है, उसकी जराबें लाल हो चुकी हैं, जूते पिंक हो गए। आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो ये आई है यहाँ पे लैंडस्लाइड, रास्ता पूरा खराब हो चुका है। सारे आ रहे हैं, रास्ता हो गया, लैंडस्लाइड हो चुकी है रास्ते में। हम सारे आ रहे हैं बस, अब हम फंस चुके हैं, बाकी देखते आगे। नीचे से हेल्प मंगाई है हमने, देखो कौन आता है बचाने। देख सकते हो कि हमें पानी नीचे चलते हुए भी मिल रहा है, ऐसा आज तक नहीं हुआ। मैं तो इतने सालों से आ रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा था। हर जगह पे पानी पानी। तो ये वो पुल है जो हर बारी टूट के, हर बारी टूटता है फिर दोबारा बनाते हैं इसको, देख सकते हो आप। तो खच्चर ने मना किया आगे जाने से। भैया मना क्यों कर रहे है? क्या चाह रहा है ऊपर की? जाओ जाओ तुम लोग। नहीं मैं वीडियो बनाऊंगा, उसकी सुनती है उसकी नहीं, सबकी सुनेगी। तो भैया की बात नहीं मान रहा खच्चर। तो हम पहुंच चुके हैं व्यू पॉइंट, देख सकते हो आप यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। बाकी ये सब रेस्टोरेंट वगैरह छोटे छोटे बने हुए हैं, ढाबे, तो कुछ खाना यहाँ से तो खा सकते हो। ये सिमरन जा रही है आगे आगे मुझे छोड़ के। क्यों छोड़ दिया मुझे? छोड़ दिया आप। ये देखो ढाबे सब यहाँ पे रुकते हैं। हमने लिया है छोटा सा ब्रेक, हम देख रहे हैं क्या खाएंगे, चाय वगैरह कुछ लेते हैं। और ये ढाबा हम आते टाइम पे भी यही रुके थे, अब जाते टाइम पे। ये व्यू पॉइंट आपने पेटी में से समझ नहीं आ रहा क्या ले, बहुत कुछ है। मैंने ले लिया ये और एक लिया मैंने लेस। तो हमें यहाँ से क्रॉस करके उस साइड जाना है, तो ये पुल है आप देख सकते हो। और मेरा हाथ निकल नहीं रहा देखने, हम निकल रहे हैं इस पुल से।
सिमरन जा रही क्रॉस करते हुए, ध्यान से थोड़ा आगे आगे देख, पीछे देखो पीछे, ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे। कुछ आया हम सामने, तो हम ये पुल क्रॉस करके आ चुके हैं। ये रही सिमरन, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोबारा से की हरकत, ये देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं मान रहे, ये मजाक समझ रहे हैं, पीछे से पत्थर आ सकते हैं। ओ पत्थर आ गया पीछे से, ओ पत्थर आया। सो गाइस, ये हमारे साथ के कुछ बंदे हैं जो अलग ही रास्ते पे चल रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ से वापसी आए हैं, देखो कौन से रास्ते से निकल के आए हैं बाहर। इनको बहुत समझाया, ये मानते नहीं है, ये वीडियो भेजूंगा, पता नहीं कहाँ से बच के निकले हैं ये तीनों। तो आप देख सकते हो, जो लास्ट टाइम लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे, सारा कुछ खराब हो चुका था यहाँ पे, ये देख सकते हो। यहाँ पहले इतने सारे ढाबे होते थे और सब खत्म हो चुका है। तो ये झरना जो पहले नहीं था वो आ चुका है फिर दोबारा अपने अभी। तो ये रास्ते में कुछ ऐसा व्यू मिला हमें, आप देख सकते हो झरना। ये थोड़ी सी लैंडस्लाइड हुई है रास्ते में, एक और जगह में आगे लैंडस्लाइड होते हुए देख सकते हो आप। तो रास्ते में लिया एक पानी का ब्रेक, ऐसा पानी आपको बिस्लेरी किले किसी में नहीं मिलेगा जो ये पानी है जेन्युइन। मज़ा आ गया पी के, आप कभी आओ तो ज़रूर ट्राई करना, बोतल वोतल मत खरीदना, ये ही जरूर पीना। तो हमारी यात्रा हो गया सफल, इसका काम हो गया खत्म। सो फाइनली हम दोनों पहुंच चुके हैं पुलना, अब यहाँ से गाड़ी लेंगे 5 किलोमीटर के लिए नीचे, बाकी पहुँचते हैं नीचे, बहुत थक चुके हैं, मिलते हैं आपको आगे। हमारी यात्रा हो चुके खत्म, अब पहुंच चुके नीचे। बोले सोनिहाल, तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी बेल आइकन दबाइए, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।